अगले साल कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रैली की, साथ ही राहुल ने यहां इंदिरा कैंटीन की शुरुआत भी की। राहुल गांधी ने खुद इस कैंटीन में खड़े होकर खाना भी खाया। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गो न्यूज संवाददाता आदेश रावल। कर्नाटक चुनाव को लेकर जहां बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह सक्रिय हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पिछले एक हफ्ते में आज बेंगलुरु में दूसरी रैली की। रैली से ठीक पहले राहुल गांधी ने इंदिरा कैंटीन का उद्घाटन किया, जिसमें कर्नाटक की जो आम जनता है वो 10 रुपये में खाना खा सकेगी। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के बीच कर्नाटक इसलिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि वहाँ चुनाव आने जा रहा है। दरअसल कांग्रेस को ये लगता है कि बीजेपी के पास कर्नाटक में लीडरशिप क्राइसिस है, और जिस तरीके से बीजेपी ने बाकी राज्यों में चुनाव जीते हैं वो फॉर्मूला बीजेपी का वहां लागू नहीं होने जा रहा है, इसलिए राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस वहां कर्नाटक में पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं। राहुल गांधी ने आज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की फॉरेन पॉलिसीज के कारण रशिया ने पाकिस्तान को हथियार बेचने शुरू कर दिए हैं, और यूपीए ने 10 साल में जो जम्मू कश्मीर में शांति बहाल की थी उसको भी मोदी सरकार के कारण वहाँ कश्मीर के हालात आज खराब हैं। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए ये साफ है कि कर्नाटक चुनाव को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी सक्रिय है और अपनी ताकत झोंकने में वहाँ लगी हुई है। दिल्ली से आदेश।